गाजीपुर पहुंचे परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव ने रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री के निरीक्षण में अधिकारियों की पोल खुल गई। बस डिपो में गंदगी देख स्वतंत्र देव सिंह भड़क गए और उन्होंने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। तुम युवा हो, तुम समझ लो, एक बस भी गंदी बाहर नहीं निकले, नहीं तो सब बसें बंद कर दो। नहीं नहीं सर, यदि गंदी बस सवारी यात्रा बैठा कोई सवारी चलाने की आवश्यकता नहीं। हम सर ये कहते हैं कि तुम्हें नोट कर लो, तुम्हें एक दिन रुक कर एक एक गाड़ी, भले तुम 5 लेबर लगाओ जी सर, लेकिन गाड़ी की सफाई होनी चाहिए। मैं अभी देखा बाहर गंदी गाड़ी सर, बिल्कुल ही दिक्कत है यहाँ पे। हमने प्लांट पास करा दिया सर यहाँ पे, आप ऑटोमेटिक प्लांट लगने नहीं तो कहीं ट्रांसफर करवा दो। तुम लोग इतना बड़ा ये किस लिए बनवा रहे हो? तुम लोग ये किस लिए बनवा रहे हो? नक्शा उक्शा बना है? वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने साथ ही कहा कि बस डिपो का निर्माण जारी है और जल्द ही लोगों को गाजीपुर में बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रगति पर है और मार्च तक मैं ये कंप्लीट करवाने के लिए आज मैं पूछा हूँ, लोगों ने कहा है कि मार्च तक मैं कंप्लीट कर दूंगा रोडवेज, जिसके कारण जाम की व्यवस्था कम हो जाएगी और अंदर व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी बात, परिवहन पिछले 15 सालों से यानी उत्तर प्रदेश की सरकार दूसरों हाथों में थी और राज्य में लूटा जा रहा था और राज्य की में कोई गंभीरता नहीं था, न परिवहन से न जनता के हित में ऐसा कोई निर्णय लिया जाए। लेकिन योगी सरकार आने के बाद जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन हुआ, पहली बार देश के अंदर या राज्य के अंदर, देश में भी कभी नहीं हुआ किसी परिवहन विभाग में, लेकिन इस राज्य के अंदर पहली बार जो दिसंबर महीने में हमेशा 15 करोड़, 20 करोड़, 28 करोड़ का घाटा होता था, हमारे परिवहन के कर्मचारी चालक परिचालक के परिश्रम के कारण, विभाग के परिश्रम के कारण दिसंबर में पहली बार 8 करोड़ का प्रॉफिट दिया। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आए दिन रोडवेज डिपो का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश के साथ साथ चेतावनी भी देते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अधिकारियों पर मंत्री जी की चेतावनी का कितना असर होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।